सिंह की गुंडा परची बड़ी मशहूर आ इस इलाके दे विच। गुंडा परची का जिहड़ा पैसा पहला कहिंदे सी गुंडा परची 500 रुपए प्रति ट्रक सी, हुण कहिंदे रेट कई गुणा वध गए ने, वो पैसा कित्थे जांदा तुहाडे मुताबिक? साडे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्नी जी जो 11 महीने के मुख्यमंत्री सी, उन्हां दे पाणजे कोल करोड़ां करोड़ां रुपए पकड़े गए ईडी द्वारा, वो इलीगल माइनिंग दे सी। इलाके के लोगों नाल मेरी गल हुई है, जो गुंडा परची का मामला है, पहला कहिंदे अकाली बीजेपी के गठजोड़ वेले 1 रुपया सी प्रति स्क्वायर फुट, हुण 4.5 रुपए कहिंदे हो गया, इहदा मतलब उहदे रेट तां कई गुणा वध गए, फिर जिहड़ी लुट्ट दी कमाई आ उह ज़्यादा वध गई। कांग्रेस पार्टी ये कहती सी कि इलीगल माइनिंग खत्म करांगे, राणा जी इत्थे पिंडा पिंडा विच शहर दे वार्ड वार्ड विच ये कहते सी मैं रेत दी मिठूई नहीं चक्कण दूंगा। चन्नी जी तो बड़े माड़े भाग हैं, साडा इस तरह का मुख्यमंत्री आया कि जिसनों यही नहीं पता कि सीएम का भी कोई प्रोटोकॉल हुंदा है, सीएम का भी कोई स्टेटस हुंदा है, वो तो कदे मंजे बुनना कही जांदा, कदे नाग बल दसी जांदा, कदे कहिंदा मैं टेंट भी लांदा सी। श्री आनंदपुर साहब का चोन अखाड़ा पूरी तरह पकिया होया, असी पहुँचे हाँ प्रोग्राम आ गए नेता जी तहत कवर करन वास्ते डॉक्टर परमिंदर शर्मा को, जो बीजेपी के कैंडीडेट ने, गल करांगे इन्हां नाल कि यह किहड़े मुद्दे ते लोगों तो वोट मंग रहे ने, ते पंजाब दा माहौल किवें संभारनगे, गल करदिआं अपने वर्करां दे नाल खड़े ने ते काफ़ी उत्साह अज, क्योंकि हिमाचल के जिहड़े मुख्यमंत्री ने वह भी इत्थे रैली करके गए ने, इन्हां ने अपने पर तोले ने कि सियासी पक्षों लोग उन्होंने किन्ना हंगारा भरते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा। दैनिक सवेरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं मेरी बाइट करन इत्थे आए, मैं बहुत तुहाडा। डॉक्टर साहब की लगता कि लोकल मुद्दे की रहने वाले ने इन्हां चोणां दौरान? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे इत्थे इलीगल माइनिंग है, जो राणा जी की शह से इस इलाके नूं लुटिया गया, इलीगल माइनिंग विच लोगों ते अगर अपने घर वास्ते ट्राली भी लियांदा सी तां उहदे ते परचा हो जांदा सी, राणा जी दे कारकुनां ने इलाका लुट के खा लिया, इस करके इलीगल माइनिंग मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इत्थे इंडस्ट्री खत्म हो गई, इत्थे PACL चलदी सी उह बंद हो गई, इत्थे ट्रक यूनियन बहुत नंबर एक दी होया करदी सी उह बंद हो गई, इस करके मुद्दे तो राणा जी की एंटी इनकम्बेंसी इन्नी चल रही है कि लोग उन्होंने पिंडा च नहीं वड़न दे रहे। बीजेपी वालों ये कहा जा रहा कि थोड़ी लेट सरगर्मी शुरू की, जेकर पहला महीने के तो पहला तुम एक्टिव हो जाते तो लोग होर ज़्यादा जुड़ जाने से, यदा महसूस करते हो कि घाट रह गई? कौन कहता बीजेपी पिछे है? बीजेपी का कम साढ़े बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक, मंडल प्रधान, शक्ति केंद्र, जिन्ना नैटवर्क साढ़ा किसी पार्टी को नहीं है, असी निचले स्तर तो जो काम करते हैं, चाहे कोरोना काल रहा, चाहे कोई समा रहा, भारतीय जनता पार्टी का काम कदे रुकया नहीं। 27 तरीक नूं चेहरा जरूर फिट किया गया, काम साडा पहले ही तैयार सी। तुसीं माइनिंग की गल की, नजायज़ माइनिंग की, गुंडा परची बड़ी मशहूर आ इस इलाके दे विच, वो गुंडा दा परची का जिहड़ा पैसा पहला कहिंदे सी गुंडा परची 500 रुपए प्रति ट्रक सी, हुण कहिंदे रेट कई गुणा वध गए ने, वो पैसा कित्थे जांदा तुहाडे मुताबिक? हुण तुहाडे सामने ही है कि साढ़े इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्नी जी जो 11 महीने के मुख्यमंत्री सी, उन्हां दे पाणजे कोल करोड़ां करोड़ां रुपए पकड़े गए ईडी द्वारा, वो इलीगल माइनिंग दे सी, राणा जी दे घर अज कोठी जिहड़ी सधारण कोठी सी अज कोई 10 करोड़ की कोठी रोपड़ विच है, चंडीगढ़ विच कोठी लई है, बेतहाशा जायदाद खरीदी गई, वो इलीगल माइनिंग का पैसा खजाने च ना जाके राणा जी दी और चीफ मिनिस्टर की जेब च गया है। इस इलाके के लोगों नाल मेरी गल हुई है, जो गुंडा परची का मामला है, पहला कहिंदे अकाली बीजेपी के गठजोड़ वेले 1 रुपया सी प्रति स्क्वायर फुट, हुण 4.5 रुपए कहिंदे हो गया, इहदा मतलब उहदे रेट तां कई गुणा वध गए, फिर जिहड़ी लुट्ट दी कमाई आ उह ज़्यादा वध गई? बिल्कुल मैं तुहाडी गल नाल सहमत हां, ते जिहड़ा पिछली बार कांग्रेस पार्टी ये कहती सी कि इलीगल माइनिंग खत्म करांगे, राणा जी इत्थे पिंडा पिंडा विच शहर के वार्ड वार्ड विच ये कहते सी मैं रेत की मिठू नहीं चक्कण दूंगा, अज तुसी हाल ये देख लो कि इलीगल माइनिंग के कारण लोगों के बोर सुक गए हैं और इलाके की नुहार बिगड़ गई है, लोग बड़े परेशान हैं। राणा जी ने अपने घर पर ले अपने रिश्तेदारों कई पुश्तों तक दी
आमदन कर दिती है। जिहड़े मुख्यमंत्री चन्नी ने मुख्यमंत्री बंसर कहा सी कि रेता 5 रुपए फुट मिलेगा, वो कितने घटिया कि पहला नो बदया की लगता तुहानू, क्योंकि इस इलाके का तुहाडे नाल वाह वास्ता लम्मा है ते सियासी जिहड़ा तुहाडा सफर वह भी 40 साल का हो गया। चन्नी जी तो बड़े माड़े भाग हैं साडा, इस तरह का मुख्यमंत्री आया कि जिसनों यही नहीं पता कि सीएम का भी कोई प्रोटोकॉल हुंदा है, सीएम का भी कोई स्टेटस हुंदा है। वो तो कदे मंजे बुनना कही जाता है, कदे नाग बल दसी जाता है, कदे कहिंदा मैं टेंट भी लांदा सी। उन्हें मुख्यमंत्री पंजाब जो पंजाब सूबा हिंदुस्तान का नंबर एक सूबा होया करता सी और पंजाब का अज भी बहुत मजबूत हिंदुस्तान का अंग है, पर लेकिन उतों का इस तरह का ड्रामेबाज मुख्यमंत्री मैं पहली बार देखा। तो इस हल्के टक्कर कि जिन्हों मानते हो कि हाँ यार ये टफ फाइट है? फाइट मेरी टफ नहीं, जनता मेरी आवाज़ है, इलाके की डिमांड है। दूजे और तीजे पर कोई लड़ता हो मैं कह नहीं सकता, नंबर एक तो मैं चल रहा और मेरी पार्टी का नैटवर्क इन्ना तेज़ चल रहा कि सारे पिछड़ जाएंगे, मैं इस नंबर एक पर आऊँगा। पंजाब के जो सियासी माहौल की गल करिए, जो चोन सर्वे आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी उपर दिखाया जा रहा, कांग्रेस दूजे नंबर पर, बाद फिर बाकी पार्टियां आ जाते हैं, तुहानू की लगता है? देखो मैं इस बारे बहुत कहना नहीं चाहता क्योंकि तुसी भी उस भाईचारे चो है कि अजकल एडा सस्ता काम हो गया कि ये लोग पिछली बार भी 101 सीटा लैके बैठे सी और सर्वे का इन्होंने पोस्टर भी छपवा ले सी, पिंडा पिंडा पोस्टर लगे सी, वो सर्वे तो अजकल पेड हैं। मेरे को भी पता नहीं किन्नी एडवरटाइजमेंट कंपनियां दे फोन आते हैं रोज़, ते वो एडवरटाइजमेंट कमिट जिहड़ियां है कंपनियां वो कर दिंदियां इस तरह का अप एंड डाउन, वरना दुनिया के पंजाबियों के मन में नरेंद्र मोदी वसिया होया। ठीक है, मोदी साहब वसे ने, पर जिहड़े तिन्ने खेती कानून आए उहदे कारण थोड़ी पंजाब की जिहड़ी गेम है सियासी गेम थोड़ी बिगड़ी है, उहदा नुकसान सानू सारयां नूं सामने नज़र आ रहा। जेकर खेती कानूनां दा मुद्दा ना हुंदा फिर हो सकदा ढींडसा ग्रुप नाल बीजेपी गठजोड़ करके अपनी सरकार भी बना लैंदी, पर तिन्ने खेती कानून अज दी घड़ी भी परेशानी पैदा कर रहे ने। मैनू नहीं लगता सरदार जी तुसीं किहड़े खेती कानूनां दी गल करदे आ, मैं तां खेती खुद किसान है और खेती बहुल क्षेत्र एरिया च रहिंदा, इत्थे साडे जिमीदार भरा है सारे मेरे नाल चले हुए हैं और जब कानून लागू ही नहीं होए तद उसका प्रश्न ही कोई नहीं। और जिन्हां लोगों ने इसका विरोध किया सी उन्होंने उम्मीद सी कि इन्ना हजारे तो निकले हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह लाभ दिल्ली विच ले लिया इसी तरह पंजाब च भी लवेंगे, पर केजरीवाल नाल गल नहीं बनी, उन्होंने अलग पार्टी बनानी पई, हुण तां बिल्ली थैले तो बाहर आ गई है, इस करके इसका कोई मसला नहीं। जिहड़े विरोधी ने खास करके जिहदा तुसीं मैनग माफी नाल ना जोड़िया वो जोड़ तोड़ की नीति च लगे हुए ने, हो सकता आने वाले दिनों वोटों की खरीदो फरोख्त का भी कम हो जाए, कि लगता कि जोड़ तोड़ जोड़े करते हैं उन्होंने अपनी हाजिर जी हार आ पहला नज़र आ जाती है? हार तो उन्होंने निश्चित नज़र आ रही है, पर जो बेतहाशा उन्होंने नोट कमाए हुए हैं, बोरियां भर भर के रखी हुई हैं, वो हुण इसी वास्ते खर्चणगे। पर मैं श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती जिथे गुरुआं ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खालसा पंथ की सृजना की थी, जिथे माता नैणा देवी के चरणों से वसदा जिन्होंने राक्षसों का वध किया, वो पवित्र धरती के लोग गरीब जरूर हो सकते हैं, अणखी हैं, इस करके राणा जी के नोटों पर हुण बिकण वाले नहीं। तुहाडे कोई ध्यान च इन्हां दिनां च मामला आया कि वोटां खरीदण दे किहड़े किहड़े ढंग अपनाए जाणगे? कुछ इलाकों लगता है कि कितने डिनर सैट दिता जा रहा, कितने बैड सीटां वंडियां जा रही ने, कितने LCD तक वंडियां जा रहे हैं, तुहाडे एरिया च कोई नज़र आया जां कोई तुहानूं लगता होवे कोई कंसो मिली होवे कि आ इस तरह वोटां खरीदियां जा सकदियां ने? कंसो तो मैनूं पहले है क्योंकि मेरा कोई पहला इलैक्शन नहीं, आ पिछे म्यूनसिपल कौंसल दे इलैक्शन होए, एक साडे राजेश चौधरी हैं म्यूनसिपल कौंसलर और साडे मंडल दे प्रधान, उन्हां दे हल्के विच राणा जी दी सपुत्री ने बहुत बेतहाशा पैसे वंडे, पर लेकिन आखिरकार जित साडे उम्मीदवार दी हुई। उसी तरह मैनूं सारी उम्मीद होण दे बावजूद भी जो मेरी पार्टी दा नैटवर्क चल रहा, जो साडे सारे लोग लगे हुए हैं, वो मैं नहीं समझदा कि राणा जी दे नोटां नाल कुते कोई कम होएगा। लोग BJP नूं प्यार करते हैं, लोग नरेंद्र मोदी नूं प्यार करते हैं, लोग मैनू प्यार करते हैं, तदे ही मैनू पार्टी ने दूजी बार टिकट दित्ती है।
वरना मेरे मैं तो कोई अमीर आदमी नहीं, किसी वजीर का बेटा नहीं, एक साधारण व्यक्ति है। मेरे नरेंद्र मोदी ने दूजी बार अगर दाव खेलिया तो उन्होंने मेरी ईमानदार छवि, मेरी साफ सुथरी छवि और मेरी शराफत को देख के मैंने दोबारा टिकट दी है और लोग मैं स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हूँ 10 दिन रह गए हैं, इन 10 दिन दौरान तोड़ियाँ किस तरह सरगर्मियाँ रहनगियाँ, की ढंग अपनाओगे कि लोगों रबता होर वधेरे हो जाए? असी ढंग तो पहला तो अपना रहे हैं जी। मैं थोनों दसिया कि साढ़े को जो रचना BJP को है वो किसी पार्टी को नहीं, जिन्हें निस्वार्थ और वधिया वर्कर BJP को हैं किसी पार्टी को नहीं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा भले हार के चले गए पर लेकिन आनंदपुर साहब च असी जिता के भेजे से और 11,000 की वोट वोटों के नाल राणा KP मूँह ते चपेड़ वजी कि जिहड़ा अपने आप नूं बेताज बादशाह समझदा सी मोहाली का रोपड़ का नवा शहर का, बाकी जगह तो चंदूमाजरा जी जित गए पर वो राणा KP दी हलका जिहड़ा विधानसभा आनंदपुर साहब है चंदूमाजरा जी 11,000 वोट ना जित के गए, नोट तो उस वेले भी बहुत बंडे सी ना। जो गठजोड़ टुटिया अकालिया नालों BJP का, यह बड़ी चोण तुहाडी पहली है इन्हां दिनां दौरान, की लगता कि तुहानूं महसूस हो रही है घाट अकालिया की? मैं तो कहिंदा जी कुब्बे नूं मारी लत उहनूं बैठी पत्थ। असी अकालिया नाल गठबंधन सत्ता दे वास्ते नहीं सी कीता, उस वेले जरूरत सी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है पर लेकिन 117 विच असी सिर्फ 23 सीटां ते समझौता इस करके कीता कि पंजाब दी एकता अखंडता, पंजाब ते विदेशी ताकतां दी नज़रां जो सी ओ ना लगन और हिंदू सिख भाईचारे नूं कोई ठेस ना पुजा सके, इस करके असी पंजाब नूं इक रखण दे लई, पंजाब नूं खुशहाल रखण दे लई 23 सीटां ते संतोष कीता। सानूं कोई राजनीतिक उहदा लाभ मिले ना मिले पर देश पहले रहना चाहिए, प्रदेश पहले रहना चाहिए, इस करके असी उस वेले समझौता कीता सी। हुण अकालिया ने सानूं आप ही छड्ड दिता, साडे वर्कर तो बहुत चाहते सी, बहुत देर तो डिमांड सी पर असी धोखा नहीं सी देना चाहते। पर स्कीम तो पहला भी सी BJP की कि ढीण साहब ग्रुप नूं रला लो, बादल दलिया नूं साइड ते कर दो, पर हुण मजबूरी च तुसीं कैप्टन नाल भी समझौता कर लिया, ढीण साहब नाल भी कर लिया, जेकर खेती बिल रद्द ना होंदे जां ना होंदे इत्थे तां हो सकदा ढीण साहब ग्रुप नाल तुहाडा होर वधिया गठजोड़ बनना सी? ऐसी कोई गल नहीं है जी, पहला तो साड़ी तैयारी चल रही थी। अगर कैप्टन नाल कीता असी समझौता तो कैप्टन ने हमेशा भारत की भाषा बोली है, सिद्धू की तरह इमरान खान नाल जफ्फी नहीं पाई, या उन्हें जो भी हरकतां कीतियां उत्थों दे जनरल दे नाल जफ्फी पाई बाजवा दे नाल, उस गल का विरोध किया। अगर BSF का असी दायरा वधाया तो सिद्धू ने विरोध किया, कैप्टन साहब ने उहदे देश दे हित वास्ते काम किया, अज तुसीं देखिया किन्ने हथियार पकड़े गए, और अगर BSF दा दायरा ना बड़े वधिया हुंदा ते अज ओह हथियार साडे इस पंजाब नूं खंडित कर सकदे सी। तुहानूं कैप्टन पहले ही अपना लगदा सी तांयों गठजोड़ हो गया? कैप्टन देश हित वास्ते सोचदा है, वह आर्मी का कैप्टन रहा है, इस करके हमेशा पंजाब या देशभगती की गल करता सी, कदे उन्हें देश के खिलाफ गल नहीं की। ठीक है विचारधारा वक्रियां वक्रियां हो सकदियां पर लेकिन वह हमेशा देश नूं प्यार करने वाला व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी नाल ओही बंदा रह सकदा जो इस देश नूं प्यार करदा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। सो इह सन डॉक्टर परमिंदर शर्मा जो BJP दे कैंडीडेट ने, इन्होंने स्पष्ट किया कि लोग उन्हां नूं भरमा हुंगारा भरनगे ते देखदे आ आउण वाले दिनां दौरान श्री आनंदपुर साहब की राजनीति किस तरह का रुख अख्तियार करेगी। कैमरामैन नरेंद्र दे नाल दर्शन सिंह खोखर, श्री आनंदपुर साहब।